आप जानते हैं कि ऑप्शंस मार्केट में मनीनेस को समझना कितना जरूरी है? मनीनेस का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप ऑप्शंस में सही स्ट्राइक पर ट्रेड कर पाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ मास्टरिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। आई एम अनुष्का बनर्जी एंड जॉइनिंग मी टुडे इज अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंजल वन रिसर्च। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मनीनेस इन ऑप्शंस आखिर है क्या। Yeah, that's a very good question in options. But before we get into moneyness, I'd just like to cover the basics of options here, and then we'll talk about moneyness. Because moneyness mein kya hota hai? There are basically three concepts. You've got at the money, you've got in the money, and you've got out of money. Which is called at the money is called ATM, in the money is called ITM, and out of money is called OTM. So isme hum log baat karenge. So options jo hai, basically that's a derivatives instrument. जिससे आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। और ऑप्शंस बेसिकली दीज आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सो दे आर लेवरेज इंस्ट्रूमेंट्स, दे हैव देयर एक्सपायरी डेट्स, सो इनकी एक्सपायरी रहती है, लॉट साइज रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 का रहता है। यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो उसका लॉट साइज जो है वो 15 का रहता है। यदि मैं फिन निफ्टी की बात करूँ तो उसका लॉट साइज 40 का रहता है। तो आपको उसी तरह से स्टॉक ऑप्शंस जो है उनके भी लॉट साइज रहते हैं। उसी तरह से जब जो ऑप्शंस रहते हैं इनकी एक्सपायरी डेट रहती है, तो कब वो एक्सपायर करें, तो वीकली एक्सपायरी रहती है, मंथली एक्सपायरी रहती है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये समझते हैं, इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, जिन्हें कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन कहते हैं। तो व्हेन यू आर बुलिश ऑन द मार्केट जनरली यू विल बाय अ कॉल ऑप्शन, व्हेन यू आर बेरिश इन द मार्केट यू विल जनरली बाय अ पुट ऑप्शन। तो जब भी कोई ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहता है तो उसे इन बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो है वो मैं आपको मनीनेस जो है उसके बारे में बात करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दोस डिटेल्स बिफोर वी डिग डीपर। आपने कहा कि ऑप्शंस में जो स्ट्राइक्स होते हैं वो ITM, ATM या फिर OTM होते हैं। सो प्लीज एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स हाउ टू फाइंड ITM स्ट्राइक्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग देम। सो वंस वी टॉक अबाउट ITM स्ट्राइक्स, सो ITM स्ट्राइक्स मींस इन द मनी ऑप्शंस। जैसा मैंने कहा ऑप्शंस जो है थ्री टाइप्स के होते हैं, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ मनी। तो सबसे पहले इन द मनी ऑप्शंस देखते हैं। तो इन द मनी ऑप्शंस में क्या होता है, सबसे पहले कॉल ऑप्शन के लिए डिफरेंट होता है, पुट ऑप्शन के लिए डिफरेंट होता है। तो पहले मैं कॉल ऑप्शन को समझाता हूँ कि सपोज निफ्टी जो है अंडरलाइंग वो 21,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी के जो स्ट्राइक्स हैं उनका स्ट्राइक इंटरवल 50 का रहता है। तो यदि 21,000 निफ्टी की अभी अंडरलाइंग वैल्यू जो है वो 21,000 है, तो जितने भी स्ट्राइक्स निफ्टी के 21,000 से नीचे हैं, जैसे 20,950, 20,900 और जितने भी स्ट्राइक्स नीचे हैं, दे आर कॉल्ड इन द मनी ऑप्शंस। और इन द मनी ऑप्शंस जो हैं दे बिकम मोर एक्सपेंसिव, और जैसे जैसे हम लोग और डीपर जाते हैं तो दे बिकम डीप इन द मनी ऑप्शंस। और वो होता क्या है कि डीप इन द मनी देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म कॉल्ड डेल्टा। तो डेल्टा जो होता है वो डीप इन द मनी ऑप्शंस का दैट इज क्लोजर टू 1। तो डेल्टा यदि ज्यादा है दैट मींस कि उसमें मूवमेंट ज्यादा होगी उस ऑप्शन में। तो डेल्टा जो है इन द मनी ऑप्शंस में ज्यादा रहती है, इट्स मोर देन 0.5। उसी तरह से यदि मैं पुट ऑप्शंस की बात करूं तो पुट ऑप्शंस में सपोज फॉर एग्जांपल निफ्टी का ये एक एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी इज एट 21,000। तो 21,000 के ऊपर वाले जितने भी स्ट्राइक्स हैं, जो 21,050, 21,100 एंड अबव, दे आर इन द मनी ऑप्शंस फॉर पुट। तो कॉल्स का ठीक ऑपोजिट जो है वो पुट में होता है। तो इन द मनी जितने भी ऑप्शंस है पुट में, दे आर the underlying price जो है is lower than the strike price। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और आज के दिन जो है ये सब they are very clearly available in the option chain। तो generally जो है in the money options में क्या होता है कि इसकी value ज़्यादा होती है, क्योंकि in the money options में intrinsic value is a term, intrinsic value रहती है। In the money options रहते हैं, चाहे वो calls हो या puts हो, they are comparatively more expensive। तो होता क्या, बहुत traders लोग हैं मोर एक्सपेंसिव देख के वो इनमें ट्रेड नहीं करते हैं, बट यू शुड डेफिनेटली लुक एट ट्रेडिंग इन द मनी ऑप्शंस एज वेल। टेकिंग द क्वेश्चन फॉरवर्ड, कैन यू आल्सो प्लीज एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स अबाउट द ओटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं बात करूं तो ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड आउट ऑफ मनी कॉन्ट्रैक्ट्स।
तो जनरली जैसा मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि कॉल का एग्जांपल निफ्टी का लिया 21,000, तो 21,000 करंट वैल्यू है निफ्टी की। तो जितने भी स्ट्राइक्स 21,000 से नीचे हैं वो इन द मनी हुए, जितने भी स्ट्राइक्स 21,000 से ऊपर हुए कॉल में वो आउट ऑफ मनी हो गए। तो जितने भी आउट ऑफ मनी ऑप्शंस हैं दे आर कंपैरेटिवली चीपर एज कंपेयर टू इन द मनी ऑप्शंस। और जैसे जैसे आप डीप आउट ऑफ मनी जाते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल निफ्टी इज एट 21,000, तो आप 21,200 300 के स्ट्राइक्स पे जाते हैं तो वो आपको ऑप्शंस बहुत चीप मिलेंगे। उसी तरह से यदि मैं पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन में जो भी अंडरलाइन, जैसे निफ्टी 21,000 है तो 21,000 के नीचे वाले जो स्ट्राइक्स हैं 20,950 20,900 एंड बिलो, ये सब जो है आउट ऑफ मनी ऑप्शंस होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉल्स और पुट्स में रिवर्सल हो जाता है। और जो आउट ऑफ मनी ऑप्शंस हैं तो क्या होता है, क्यों लोग ट्रेड करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि ये सस्ता है ये चीप है, तो वो इसलिए आउट ऑफ मनी ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल इफ यू आर ट्रेडिंग आउट ऑफ मनी ऑप्शंस एंड एज फार एज पॉसिबल अवॉइड ट्रेडिंग डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस। मतलब बहुत बार होता है कि बहुत वो सस्ते में मिल रहा है तो वो ऑप्शन ले लेना चाहिए, बट यू नीड टू हैव वन वेरी वैलिड रीजन। तो होता क्या, जब आप डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस खरीदते हैं तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ज्यादा यही रहती है कि द ऑप्शंस विल एक्सपायर वर्थलेस, उसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। तो आप उसमें, तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू शुड लुक एट ऑप्शंस विच आर स्लाइटली आउट ऑफ मनी और स्लाइटली इन द मनी फॉर ट्रेडिंग। Now before I let you go, lastly please हमारे viewers को ATM options के बारे में भी बताइए। So talking about at the money options, so at the money option is like जैसे मैंने आपको निफ्टी का example दिया कि निफ्टी is at 21,000, तो जो option strike is closest to 21,000, that is called at the money. So for example if निफ्टी is at 21,020, तो 21,000 का जो स्ट्राइक है दैट इज क्लोजेस्ट टू 21,020, सो दैट इज द एट द मनी ऑप्शन। तो एट द मनी ऑप्शन जो रहता है वो भी लोग ट्रेड करते हैं, और स्लाइटली आउट ऑफ मनी ऑप्शंस भी लोग ट्रेड करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस भी ट्रेड करते हैं, बट व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। वन इज दैट ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग, तो आप जितने जल्दी अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं उतना बेटर है। इट इज़ नॉट लाइक द कैश सेगमेंट जहां आपने स्टॉक खरीद लिया और आप उसे हफ्तों महीनों सालों तक होल्ड करते हैं। ऑप्शन की एक्सपायरी, जैसे मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है वैसे ऑप्शन की भी एक्सपायरी डेट रहती है। तो द बिकॉज एन ऑप्शन देयर इज समथिंग कॉल्ड थीटा, तो वो क्या होता है उसे टाइम डीके कहते हैं। तो जो टाइम डीके होता है वो ऑप्शन की वैल्यू की जो प्रीमियम है वो घटते रहती है। इसीलिए जो डीप आउट ऑफ मनी ऑप्शंस रहते हैं यू विल फाइंड कि मतलब दे आर वेरी चीप और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी इज वेरी लो। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो स्ट्रेटजीज करते हैं, चाहे वो स्ट्रैडल्स हो स्ट्रैंगल्स हो अदर स्ट्रेटजीज करते हैं, तो वो एट द मनी और उसके ऊपर वाले कुछ स्ट्राइक्स और नीचे वाले कुछ स्ट्राइक्स उनमें ही वो ट्रेड करते हैं। तो ऑप्शंस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बट एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यदि इसको कोई ढंग से समझे और मतलब सीखे, बिकॉज अनटिल यू डोंट स्पेंड टाइम लर्निंग यू विल नेवर लर्न मच। तो जब आप सीखते हैं देन यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। थैंक यू सो मच सर फॉर दोज वैल्यूएबल रिसर्च इनपुट्स एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प आवर व्यूअर्स टू मेक वाइज डिसीजंस नाउ इन ट्रेडिंग डिफरेंट स्ट्राइक्स इन ऑप्शंस कंसिडरिंग द मनीनेस ऑफ द सेम। नाउ डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। Stay tuned, we have much more coming in the upcoming episodes. Thank you so much for watching. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.